पिछले कुछ बरसों में पूरे देश में छुट्टा जानवर एक समस्या बन गए हैं। ना लोग पालने में दिलचस्पी रखते हैं, ना उन्हें बेचा जा सकता है। यह समस्या छत्तीसगढ़ में भी थी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इससे निपटने के लिए एक अभिनव योजना बनाई। सरकार ने प्रदेश भर में गोठान यानी गोशालाएं बनाने की योजना बनाई, जिससे कि छुट्टा जानवरों को वहां लाकर रखा जा सके। गोशालाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से पैसे दिए गए, जिससे कि जानवरों के लिए चारा और पानी का इंतजाम हो सके। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसके बाद शुरू हुई गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत गोशालाओं में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। जब गोबर से आय होने लगी तो इससे गौपालकों को प्रेरणा मिली कि वे या तो जानवरों को घर पर रखें या फिर गोशालाओं में ही रखें। आज छत्तीसगढ़ में गोशालाओं में गोबर बेचकर लाखों परिवारों की अतिरिक्त आय होने लगी है। वे कई ऐसे काम कर रहे हैं जो इससे पहले संभव नहीं थे। गोबर खरीदी का पैसा हर 15 दिनों में विक्रयकर्ता के खाते में सीधा भेज दिया जाता है। सवाल यह है कि गोबर खरीदकर सरकार क्या कर रही है। इस गोबर से गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट से लेकर गौकाष्ठ और दिए बनाए जाते हैं। इससे गौशाला चला रही समितियों को अतिरिक्त आय हो रही है। किसानों को जैविक खाद भी मिल रहा है और फसल भी लहलहा रही है। रोजगार पैदा करने के लिए गौशालाओं में ग्रामीण अति लघु उद्योग लगाने की भी शुरुआत हो चुकी है। आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ में छुट्टा जानवरों की समस्या से छुटकारा मिल चुका है और ग्रामीणों को गोबर से आय हो रही है, सो अतिरिक्त साथ में दूध भी मिल रहा है। हम सब मिलकर गांधी जी के सपने को साकार करेंगे, सुराजी गांव बनाएंगे।